1990 के दशक में भारतीय शेयर बाजार में एक ही नाम की चर्चा होती थी, वो नाम था हर्षद मेहता का। मगर हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक नाम शेयर मार्केट में निखर कर उभरा, वो थे राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला उस समय बियर कार्टेल को फॉलो करते थे, मगर हर्षद मेहता स्कैम के बाद वे बियर से बिग बुल बन गए और ये बिग बुल शेयर मार्केट का हमेशा ही बिग बुल बना रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। 14 अगस्त को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। भारतीय शेयर बाजार में उन्हें वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता था। आइए जानते हैं कि आखिर राकेश झुनझुनवाला कौन थे और उन्होंने शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत कैसे की। राकेश झुनझुनवाला भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शुमार थे। उनका नेटवर्थ करीब 46,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जाता है। इतने बड़े नेटवर्थ वाले झुनझुनवाला की शुरुआती जीवन काफी आम रही। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक आयकर अधिकारी थे। परिवार से ही उन्हें शेयर मार्केट की शुरुआती जानकारी मिली और उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही 1985 में शुरू किया था। सेंसेक्स उस समय 150 पॉइंट के आसपास था और उस समय उन्होंने महज 5,000 रुपये की पूंजी के साथ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। उनके जीवन का पहला बड़ा मुनाफा टाटा टी से मिला, जिससे 1986 में उन्हें 5,00,000 रुपये का मुनाफा हुआ था। उन्होंने 43 रुपये में इस कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे थे, जिसने महज 3 महीने के भीतर ही 3 गुना से अधिक रिटर्न दिया। इसके शेयर भाव महज 3 महीने में ही 143 रुपये तक पहुंच गए थे। उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा हुआ। इसके पहले तक वे बियर कार्टेल में ब्लैक कोबरा के नाम से मशहूर मनु मनेक के फॉलोअर थे। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो उन्हें बियर से बुल बनने का मौका मिला और देखते ही देखते वे बिग बुल बन गए। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग के जरिए खूब पैसा कमाया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा हुआ तब पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। इस दौरान भी उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर खूब मुनाफा कमाया था। शेयर बाजार में झुनझुनवाला का सबसे पसंदीदा स्टॉक घड़ी और आभूषण बनाने वाली कंपनी टाइटन की रही है। टाइटन की इस कंपनी में हिस्सेदारी लगाकर उन्होंने खूब पैसे कमाए। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के अंत में राकेश झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, ल्यूपिन, फोर्टिस हेल्थकेयर, नजर टेक्नोलॉजीज, फेडरल बैंक, डेल्टा कॉर्प, डीबी रियलिटी और टाटा कम्युनिकेशन सहित 37 स्टॉक थे। राकेश झुनझुनवाला के ऐसे कई किस्से रहे जिससे वे सुर्खियों में छाए रहे। आइए इन किस्सों की बात करते हैं। पहला किस्सा उनकी जिंदा दिली का था। राकेश झुनझुनवाला जिंदा दिल्ली के भी मिसाल थे। साल 2021 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वे व्हीलचेयर पर बैठे थे। व्हीलचेयर पर बैठे हुए कजरारे कजरारे गाने पर डांस भी कर रहे थे। झुनझुनवाला डायबिटीज के मरीज थे, जिससे उनके पैर में सूजन रहता था। वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे, लेकिन व्हीलचेयर पर उनका डांस बिग बुल की जिंदा दिली का सबूत है। इस वीडियो में झुनझुनवाला के साथ उनकी पत्नी रेखा, करीबी दोस्त उत्पल सेठ, अमित गोयला और परिवार के कई सदस्य दिख रहे थे। दूसरा किस्सा उनकी बेफिक्री का है। राकेश झुनझुनवाला के व्यक्तित्व की एक और खास बात उनकी बेफिक्री थी। वो औपचारिकताओं में नहीं फंसते थे। तभी तो देश के प्रधानमंत्री से मिलने वे बिना प्रेस किया हुआ शर्ट पहने ही पहुंच गए थे, तो वहीं वित्त मंत्री से मिलने वे चप्पल पहनकर पहुंचे थे। ये दोनों ही तस्वीर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर झुनझुनवाला ने मुस्कुराते हुए बताया था, मैंने 100 रुपये देकर शर्ट प्रेस करवाई थी, इसके बाद भी उसमें सिलवटें पड़ गई थी, तो मैं क्या करूं, मैं तो शॉर्ट्स पहनकर भी ऑफिस चला जाता हूं। तीसरा किस्सा उनकी सादगी का है। जब राकेश झुनझुनवाला से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी पोर्टफोलियो लगातार बढ़ रही है, आपका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया कि किसको गिनना है, क्या गिनना है, किसको बैलेंस शीट दिखानी है, हमारी एक पार्टनर है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास जितनी संपत्ति है अगर उसका 10-15% भी होता तब भी यही जिंदगी होती, मैं वही विस्की पीता, उसी कार्स का इस्तेमाल करता, ऐसे ही घर में रहता, इसलिए मैं गिनता नहीं हूं, मैं ये काम करता हूं क्योंकि मुझे यही आता है। अगला किस्सा उनके पछतावे का है। जिंदगी में इतना पैसा और इतना नाम कमाने के बावजूद भी उन्हें एक चीज का पछतावा रहा। वो डायबिटीज के मरीज थे, बावजूद इसके वे खूब शराब और सिगार पीते थे, इसका उन्हें पछतावा था। उनके बारे में जो सबसे अहम किस्सा है वो है रिस्क लेने का। राकेश झुनझुनवाला हमेशा ही शेयर मार्केट में नीडर रहे, उन्हें रिस्क लेने से कभी डर नहीं लगा। राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मार्केट और औरत में इंटरेस्ट है, औरत प्यार से चलती है
और मार्केट रिस्क से। रिस्क लेना मेरी आदत है, बाजार जब अच्छे मौके देती है तो मैं अपनी पत्नी की चूड़ियां तक बेचकर निवेश करने के लिए तैयार हूँ। हर आदमी की तरह राकेश झुनझुनवाला का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट उनका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एक एयरलाइन लॉन्च करने का था जिसे उन्होंने मौत आने से पहले पूरा भी कर लिया। हाल ही में उन्होंने अकाशा एयरलाइन लॉन्च की थी। उन्होंने कई मौकों पर अकाशा एयरलाइन की उड़ान सेवाओं को शुरू करने का भी जिक्र किया था। बीते 7 अगस्त को ही मुंबई से अहमदाबाद के बीच अकाशा ने पहली उड़ान भरी। अकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान के ठीक एक हफ्ते बाद इसके सबसे बड़े स्टॉक होल्डर यानी कि राकेश झुनझुनवाला ने अंतिम सांस ले ली। अपने 62 साल के जीवन में उन्होंने कई कामयाबी हासिल की। शेयर मार्केट में उनके जैसी पकड़ आज किसी की भी नहीं है। उनके जीवन से लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोर्ट के साथ। धन्यवाद।